أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليه कया रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह ले के पहलू में गमे उम्मते नादाराए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका नाम और ये इदारा जो है आपका, ये किस जगह पे वाक़या है और इदारे का नाम? मेरा नाम मोहम्मद शुएब अदनान है। मैंने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में कर रखा है, सीएसएस क्वालिफाइड हूँ। और ये इदारा 2016 से मतवा गुजर खान में मौजूद है। यहाँ पे हम प्ले ग्रुप से लेके मैट्रिक तक तालीम जो है बच्चों तक मुंतकिल कर रहे हैं। स्ट्रेंथ कितनी है आपकी? हमारे पास करीब 300 बच्चे हैं स्कूल में। एजुकेशन की फील्ड को आपने मतलब के क्यों इस तरफ आने का मतलब क्या, कैसे सोचा आपने? मेरी ज़िंदगी जो है वो तालीम के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, तो इस वजह से मेरा लगाव है, मेरा शौक है कि मैं एजुकेशन से ही मुंसलिक रहूँ। मेरे पास और काफ़ी अमूमन लोग होते हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं होती, तो वो बहस मजबूरी इस शोबे में आते हैं, लेकिन मेरा ये शौक़ है। और मेरा ख़ानदान जो है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखता हूँ कि मेरे शौक़ को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने अपना बहुत सा असासा सर्फ करके इस इदारे की बुनियाद रखी। तो ये शौक़ है ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे ख़ानदान का कि हम तालीम से इसको फ़रोग दें, इससे वाबस्ता रहें। मेरे वालिद साहब गुजर खान शहर में, उनके आने की सिर्फ एक रीज़न थी कि गांव में रहूँगा तो मैं बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो अपने गांव को, अपने आबाई घर को छोड़ के गुजर खान में आए थे कि बच्चों को तालीम हासिल हो। तो ये उनकी वो जो ख्वाहिश थी, मैं समझता हूँ कि उसी की तकमील है। तालीम के अलावा कोई गेम्स का भी आपने कोई सिस्टम रखा हुआ है बच्चों के लिए? जी, गेम्स गो के ये ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं, लेकिन हमारा जो शेड्यूल है और हमारी जो लोकेशन है, उस हवाले से कुछ हमारी मजबूरियां ऐसी हैं कि बच्चों के आने और जाने के हवाले से हमें वक्त जो है बहुत कलील होता है। लेकिन उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स जो ट्रेनिंग होती है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, उस हवाले से छोटे छोटे सेशंस होते हैं साल में एक दो हफ्ते बाद का, हम उसको एक्सटेंड करके एक माह तक लेके जाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स का एलिमेंट जो है उसको शामिल किया जाता है, बच्चों की तदरीसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंदर। इसके अलावा पूरा साल अगर कहें तो मैं कहूँगा कि वो इतना हमारे लिए करना मुमकिन नहीं होता। अलबत्ता साल में
हम दो हफ्ते या एक माह इसके लिए मुख्तस करते हैं। फिज़िकल ट्रेनिंग जो है वो सारा साल होती है। इस्लामी तालीम के इस्लामी तालीम के हवाले से हम तीन काम करते हैं। एक नाजरा गो के जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, इसमें 2019-20 या 21 से गालबन ये नाजरा जो है वो लाजमी तालीम हुआ है, लेकिन हम 2016 से नाजरा जो है ये बाकायदगी से करवाते हैं और तजवीद के साथ बाकायदा कारी साहब हैं जो बच्चों तक नाजरा की तालीम पहुँचाते हैं। इसके साथ हम जुमा के दिन जो रवा इस्लामी माह चल रहा होता है उसमें पाकिस्तानी कल्चर इस्लाम की, जैसे रमज़ान शरीफ है, रबीउल अव्वल है, इस हवाले से हमने ज़िंदगियों को कैसे गुजारना है, हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं क्या वो हमारे माजी की अकासी करती हैं या हम भटक गए हैं, उस हवाले से एक खुतबा, जैसे जुमा के दिन मसाजिद में खुतबा होता है तो हमारे यहाँ जैसे बज़्म अदब होता है, जुमे के दिन एक ऐसी महफिल का इनेकाद होता है जिसमें कारी साहब जो हैं वो बिलखसूस बच्चों को रहनमाई करते हैं, और उस पर हमारा एक रिटर्न पैम्फलेट भी होता है जो जारी होता है, जिससे लिखी हुई सूरत में जो भी बच्चों को तालीम दी जाती है वो घरों तक पहुँचाई जाती है। इसको हम सदका जारिया के तौर पर भी लेते हैं कि अगर घर में कोई उसको देखेगा, पढ़ेगा, सीखेगा। दूसरा, वो बच्चों के लिए इस तरह से भी, घर वालों के लिए भी इस तरह से भी अहम है कि यहाँ पे जो चीज़ बच्चों तक पहुँचाई जा रही है उसमें कोई शिद्दत पसंदी तो नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं है, तो वालदैन की रहनमाई के लिए वो भी होता है। मज़ीद उसमें क्या जो बातें लिखी गई हैं या बच्चों तक पहुँचाई गई हैं क्या वो मुस्तनद हैं या नहीं हैं, इसलिए हम उनको लिख कर ज़रूर घर पहुँचाते हैं। आप जो टीचर हायर करते हैं तो वो मतलब कि कितनी तालीम हो तो आप उसको टीचर लेते हैं? देखिए, ख्वाहिश तो हमारी यही होती है कि एटलीस्ट मास्टर लेवल के टीचर्स हों हमारे पास, और उसमें बहुत से हमारे टीचर्स ऐसे हैं जो एमए लेवल, मास्टर्स लेवल के हैं, लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन लेवल के टीचर्स होते हैं। बच्चों के वालदैन से कोई कोऑर्डिनेशन होता है? ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा होता है, डेली बेसिस पे होता है। बच्चों के वालदैन को कोई मैसेज? वालदैन के लिए जो मैसेज है वो यही है कि ये जो आज का दौर है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा हर दिन वालदैन के साथ जो है वो इंट्रैक्शन होता है, तो जो मैं चीज़ महसूस करता हूँ वो ये महसूस करता हूँ कि आज के वालदैन को मैं बहुत मजबूर देखता हूँ कि वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं अपने बच्चों के ऊपर, ठीक है, जिसकी एक बेसिक वजह यह है कि बच्चों के पास उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है, वो उसमें मुस्बत चीज़ें भी और मनफी चीज़ें भी, खेल मुस्बत चीज़ है लेकिन वो पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है, बिल्कुल। अब सर्दियों के दिन हैं, हमारे पास रोशनी का वक्त बहुत कम होता है, अगर उस टाइम बच्चा खेलने चला जाएगा तो सारी सी बात है, पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन वो खेल के उनके लिए ज़रूरी भी है, एक मुस्बत पहलू है। इसी के साथ टेलीविज़न है, टैबलेट्स, फ़ोन्स, ऐसी डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, यूट्यूब, ये चीज़ें बहुत सी ऐसी हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और वालदैन इस सिचुएशन, बहुत से वालदैन ऐसे हैं जो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को घर में अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हुए अगर टाइम फ्रेमिंग की जाए एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो बच्चों की पढ़ाई डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। मैं इस बात ये बात नहीं कहता कि उनके की ज़िंदगी से रिलैक्स होने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, लेकिन उसकी टाइम फ्रेमिंग होनी चाहिए कि कितनी देर पढ़ना है, कितनी देर उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है। दैन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट डायरी, जो डेली डायरी होती है, जो बच्चों से स्कूल में तवक्कुआत होती हैं कि ये एटलीस्ट मिनिमम काम उन्होंने करना है, उसको कंप्लीट करवाने की बच्चे को आदत डालनी चाहिए। दिस इज़ ए काइंड ऑफ हैबिट। इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू डिवेलप सच हैबिट्स इन आवर किड्स, इट विल बी रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हैव ए गुड प्रोफेशनल लाइफ। तो मैं चाहूँगा कि वालदैन बच्चों में ऐसी हैबिट्स डेवलप करें घरों में जिसमें वो अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करें, अपने पढ़ाई को भी टाइम दें, स्पोर्ट्स को भी टाइम दें। उसके अलावा टेक्नोलॉजी है, वो आइंदा जो ज़िंदगी है, जो मौजूदा ज़िंदगी है,
इसमें वो बहुत अहम है, उसका भी नो हो होना चाहिए, लेकिन वो इतनी ओमनी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए बच्चे की ज़िंदगी में कि बाकी सब कुछ उनको बच्चों को लगे कि वो गैर ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया सर।